असलमकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे हम सब भी ठीक हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है तो बस घूमना फिरना बहुत हुआ अब आ जाते हैं अपने डेली रूटीन पर और घर के काम पर अपने तो ये था मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता बच्चों के लिए क्योंकि आज मुझे बहुत काम थे घर का घर के भी काफ़ी काम थे और बाहर के भी काफ़ी काम थे क्योंकि बच्चों के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो स्कूल हैं बच्चों के वो मेरे बच्चों के तकरीबन एक दो हफ्ते लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग वेकेशंस पे गए हुए थे तो इस वजह से कुछ लेट हो गए थे बच्चे तो आज बस फिर वही बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी स्कूल की बैग्स और यूनिफॉर्म वग़ैरह वाटर बॉटल ये वो तो वो कुछ लेना था बच्चों का बुक्स वगैरह भी लेने थे तो आ, मुझे ये था कि नाश्ता अच्छे से कर लें क्योंकि पराठे वग़ैरह अगर खा लेते हैं तो फिर सही रहता है अगर ब्रेड खाते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद इनको फिर से भूख लगती है तो मुझे ये था कि नाश्ता ये लोग सही से कर लें तो फिर मैं लगूँ अपने बाकी काम पर तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे और अंडे क्योंकि पराठे काफ़ी टाइम हो गया था फिर खाए भी नहीं थे तो मैं बना रही थी पराठे और दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए और पराठे मेरे घर में अलहमदिल्ला सब शौक़ से खाते हैं सिवाय मेरी बेटी के उसको बिल्कुल नहीं पसंद पराठे जैसे ही मैं बनाती हूँ और उसको खुशबू आती है पराठों की तो वो फ़ौर किचन में आती है कहती है अम्मी आपने पराठे क्यों बनाए मेरे लिए मेरे लिए ब्रेड फिर मुझे दें लेकिन मैं उसको फिर भी ज़बरदस्ती खिलाती हूँ क्योंकि पूरा हफ़्ता तो बच्चे ब्रेड ही खाते हैं तो पराठे भी खाएं उसमें घी वग़ैरह लगता है तो वो अच्छा होता है बच्चों के लिए घी मक्खन भी तो मेरा ये देसी घी और मक्खन जो है वो पाकिस्तान से आता है मेरी बहन मुझे भेजती है घर का निकला हुआ होता है फ्रेश बिल्कुल तो फिर वो हम पराठों पे लगा के खाते हैं और काफ़ी फिर अच्छे लगते हैं पराठे उसके साथ तो अभी बस फिर मैंने पराठे बना लिए फिर उसके अंदर फिर मैं जो फ्रेश होता है मक्खन घर का निकला हुआ फिर मैं वो लगा लेती हूँ तो उससे पराठे और भी अच्छे लगते हैं और अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है तो फिर अच्छा लगता है खाने में तो ये देखिए इसके अंदर मैंने इस तरीके से जो है बटर लगा लिया है तो ये हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हैं और अभी बस जो अंडे थे वो भी मैं पकने के लिए रख दूँगी तो बस इसके साथ फिर ये हमारा जो है नाश्ता जो है वो रेडी हो जाएगा चाय भी मैंने बनाई है तो ये सिंपल सा जो होता है नाश्ता तो वो हम करेंगे उसके बाद फिर लगेंगे घर के काम पर क्योंकि काफ़ी फिर काम जो है वो रहा हुआ है घर का जाने से पहले भी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे देनी थी क्लीनिंग के लिए कारपेट्स वगैरह लेकिन वो फिर मैं नहीं दे सकी मुझे ये था कि बस आके ही दे देंगे क्योंकि फिर वही घर बंद होगा इतने दिन तो फिर वो वापस से ही मैली हो जाएंगे तो ये अरीबा के रूम का कारपेट है रग है छोटा सा तो ये भी देना था वॉश करने के लिए और लिविंग एरिया का जो है वो भी देना था क्योंकि लिविंग एरिया में ही ज़्यादातर हमारी हमारा बैठना वगैरह होता है तो फिर वो कारपेट गंदा हो जाता है तो ये भी देना था मुझे वॉश करने के लिए तो मैंने कहा इनको पहले मैं एक साइड पर रख दूँ ताकि फिर उसके बाद फिर मैं डस्टिंग और मॉपिंग वगैरह है वो बाद में करूं तो ये कारपेट्स मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे फिर मैंने उसी टाइम हस्बैंड को दे दिए थे कि आप इनको गाड़ी में रख के क्योंकि जब तक पड़े रहें तो मिट्टी वगैरह होती रहती है तो ये फिर मैंने रखवा दिए थे बाहर और उसके बाद फिर मुझे मशीन भी लगानी थी आज तो फिर मैंने मशीन लगा दी एक तरफ तो बस ये सब काम जो है साथ साथ चल रहे थे और खाना जो है मैंने नहीं बनाया था बस हमने सिर्फ नाश्ता किया था क्योंकि मेरी फ्रेंड ने हलीम भेजा था तो वो था तो मैंने कहा बस अगर बच्चों को भूख लगी तो फिर मैं वो गर्म करके दे दूँगी तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर के जो काम हैं वो फिनिश किए सफाई थी और कपड़े थे काफ़ी तो बस फिर घर के काम जो है मैंने फिनिश किए उसके बाद फिर हम लोग असर के बाद आ गए थे बाहर क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी थी तो इनके स्कूल वालों से मैंने पूछा था कि कहाँ से मिलेगी तो उन्होंने कहा कि अलकारात पर मिल जाएगी आपको इजीली लेकिन जब हम यहाँ आए तो फिर यहाँ पर मुझे अरीबा की यूनिफॉर्म नहीं मिली काफ़ी मैंने ढूंढा और कुछ टाइम पहले मैं आई थी तो वाकई यहाँ पर थी लेकिन इस बार नहीं थी तो काफ़ी मैंने ढूंढा तो अरीबा की तो नहीं मिली यहाँ से यूनिफॉर्म लेकिन बेटे की मिल गई क्योंकि उसकी तो ही थी वाइट शर्ट थी और ब्लैक पैंट थी तो वो मिल गई थी हमें यहाँ से आराम से तो ये अभी हम लोग साइज़ देख रहे हैं और जी इसकी ब्लैक कलर की पैंट थी तो यहाँ से बस हमने सिर्फ मेरे बेटे की जो यूनिफॉर्म थी वो ली थी और शूज़ लिए थे स्कूल के क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो तकरीबन दो साल के बाद स्कूल जा रहे हैं वैसे तो ये ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम में भी फिर ये ऑनलाइन ही थे तो ये तकरीबन दो साल ऑनलाइन ही पढ़े हैं मेरे बच्चे तो ये तकरीबन दो साल के बाद स्कूल जा रहे थे तो काफ़ी खुश भी थे तो इनको चाहिए इनको था कि सब चीज़ें हमें मतलब नहीं चाहिए बैग ये वो तो वो अपनी दिल खोल के शॉपिंग कर रहे थे स्कूल की तो फिर उसके बाद हम बैग्स के सेक्शन में आ गए थे यहाँ से हम लोग बैग्स देख रहे थे शूज़ भी हमने ले लिए थे लेकिन बैग हमें यहाँ से समझ में नहीं आई तो हमने बैग यहाँ से नहीं लिए और उसके बाद फिर हम आ गए थे उमसीान यहाँ से बच्चों को बुक्स वगैरह लेनी थी अपनी बुक्स नहीं इस, इनको यहाँ से सिर्फ अपनी नोट बुक्स लेनी थी इनकी जो स्कूल की बुक्स थी वो हमने कहीं और से ली थी क्योंकि पाकिस्तानी बुक्स हैं तो फिर वो उमसान वगैरह पे नहीं मिलती वो एक मतलब उनकी अलग से ही शॉप होती जहाँ पर पाकिस्तानी स्कूल्स के बुक मिलते हैं तो हमने फिर वो जो इनकी स्कूल की बुक्स थी वो फिर हमने दूसरी शॉप से ली थी मकतबा कोसर है और दूसरी भी है शॉप्स यहाँ से पाकिस्तानी बुक्स मिल जाती हैं यहाँ से फिर बच्चों ने नोटबुक्स और स्टेशनरी अपनी ले ली थी और उसके बाद फिर हम लोग गए थे अरिबाग की यूनिफॉर्म लेने तो हम लोग पाँच छः शॉप्स पर गए थे लेकिन हमें यूनिफॉर्म मिली नहीं रही थी कहीं से फिर फाइनली एक शॉप थी तो वहाँ से हमें अरिबाग की यूनिफॉर्म मिल गई थी और इस टाइम काफ़ी लेट हो चुका था तो हमने वहाँ से अरिबा की यूनिफॉर्म ली और फिर बच्चे घर आए उन्होंने अपना बैग जो है वो सेट किया अरिबा ने भी सेट किया हमने खाना वगैरह खाया तो बस ये था मेरा आज के दिन का छोटा सा व्लॉग इला फिर जो अभी मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं अपने बच्चों की स्कूल की रूटीन और लंच बॉक्स वग़ैरह के जो आइडियाज़ होते हैं वो भी शेयर करूँगी इनशाला आप लोगों के साथ तो आई होप आपको ये आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि अभी तो बस घर के जो रूटीन होंगे उसी के इनशाला व्लाग्स आएंगे तो मैं शेयर करूँगी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़